एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं मधुबन घूमने के लिए, है ना? Yes, sir! मजा आएगा ना? Yes, sir! तो हम लोग दून पब्लिक स्कूल से घूमने आए हैं मधुबन। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, चल दे। अच्छा लग रहा है ना? कैसा देखा मंदिर? और ये दृश्य उधर देख। चल दू मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को। हमारे साथ है हमारे सुमन सर। क्या सर, कितने अच्छे अच्छे बहुत अच्छी चीज है। यही है म्यूजियम यहाँ की, यही है। और ये हमारे बच्चे स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। वीडियो बनाने के लिए अच्छा लग रहा है ना? आप लोगों का टूर कैसे रहा? बहुत अच्छा है ना? ठीक है, हम लोग फिर से प्रयास करेंगे नए जगह जाने के लिए। और ये हमारी आर्ट टीचर मैम जो काफी बारीकी से स्टैचू को देख रही है। बहुत कुछ सीखने को मिला ना मैम? नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली।
और काफी धूप लगी है, थोड़ा सा हम लोग खा लेते हैं, है ना मैम। बताया जाता है कि यहाँ 24 तीर्थकर में से जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर थे उसमें से 20 तीर्थकर इसी यहाँ के मंदिर में, यानी पारसनाथ के ये जो जैन धर्म के मंदिर बने हुए हैं यहीं पर उन्होंने अपना मोक्ष प्राप्त किया। और अन्य भी ऋषि मुनि जो भारत में तपस्या करते थे उन्होंने भी यहाँ, कई ऋषि मुनि यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किए। सारा जमाना है मेरे पीछे पर ये दीवाना है तेरे पीछे, सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे पर तेरी पायल देखूं। इसीलिए इसे पूरे विश्व में बेहतर माना जाता है और जैन धर्म का ये अच्छा तीर्थ स्थल है। इसके साथ साथ सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते रहते हैं, देखते हैं और घूमते हैं, उन्हें काफी अच्छा आध्यात्मिक टाइप फील होता है। तो यहाँ लगभग 200 सालों के आसपास पहले बनाया हुआ ये मंदिर है जिसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे। यहाँ आने के लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, प्लेन से भी आ सकते हैं और बाय रोड भी आ सकते हैं। बाय रोड आने के लिए आपको रांची से महज ये 107 किलोमीटर दूर पड़ता है और हजारीबाग से भी इसी के आसपास डिस्टेंस है। तेरी सहेलियां सादा मामूली। अगर आप गिरिडीह जिले के हैं तो आपको ये काफी अच्छा लगेगा और आराम से आप आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन बनाया हुआ है ये मंदिर, इसीलिए जैन धर्म के लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ आते रहते हैं। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साथी अखियां ने है सपने अम्बरांदे, ए सपने अम्बरांदे, बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे फिर ना समंदरा दे। हम लोग घूमने के बाद खाने वाले हैं, कुछ लंच करने वाले हैं, भूख लगा है ना। और ये रहा रेस्टोरेंट मन भावन कैफेटेरिया। चलो 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 चलो, मस्त है ना। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, हेलो, चलो चलो फुल सपोर्ट करो गाइस, चैनल सब्सक्राइब सर, मेरा भी चैनल। और फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू। फूलों की तरह मैं कहेंगे हौले हौले यारो एक दिन मौसम गलिया दे। फोटो शूट का इतना शौक, देखिए लगभग 12 बज रहे हैं। और धूप में भी बच्चे फोटो शूट कर रहे हैं। Oh,
चलिए आज का ब्लॉग यहीं रखते हैं, फिर नए ब्लॉग में हम लोग मिलेंगे। अगर लाइक करो, सब्सक्राइब करो।